हर किसी को पार्लर का शौक होता है, अगर कोई फ्री टाइम होता है तो लड़कियों को ज़्यादातर लगता है कि यार हम अपने आप को थोड़ा पैम्पर करें, कहीं जाए या पार्टी करें। बट आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी हैं उनको जब भी टाइम मिलता है ना वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग फ्रिक है। उनको कभी भी अगर टाइम मिले ना वो फटाक से कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेती है कि कहाँ पर कुछ यूनिक मिल रहा है, कहाँ पर कुछ अच्छा मिल रहा है। आज हमारे साथ है हर्षिता। हाय हर्षिता, आज हम आए हैं शांति हस्तकला में, जो बहुत ज़्यादा फेमस है एक्चुअली, और यहाँ पे इतनी यूनिक चीज़ें मिलती है जो शायद आपको राजस्थान में या गुजरात में मिलेगा, बट मुंबई में ऐसी चीज़ें मिल जाए तो भाई सोने में सुहागा। क्या कहोगे? बिल्कुल, एक्चुअली क्योंकि वो सब चीज़ें तभी देखने को मिलती हैं, या तो आप जाओ राजस्थान या यू नो ऐसी जगहों पे या कोई एग्जीबिशन लगी है। तो मैं जब इनकी लास्ट एग्जीबिशन में आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो हम बाहर से भी जैसे देख रहे हैं कि ये बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी कलरफुल है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि एज अ गर्ल मुझे भी अंदर से जानना है कि भाई क्या क्या मिलता है यहाँ पे और क्या क्या। सो चले, हम चाहेंगे कि इंट्रोड्यूस यही करें कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है और यहाँ की खासियत क्या है, और उसके बाद हम मिलाएंगे यहाँ के ऑनर से। मतलब ये जो सारा आप देख रहे हैं उनका सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। तो फर्स्ट हर्षिता, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं बताती हूँ, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि वो सब हैंडमेड हैं और वो सब गुजरात के विलेजेस से जो औरतें हैं जो शायद भूल चुकी थी कि हमें कुछ, हम भी अपना कुछ काम कर सकते हैं या हमारी भी अपनी एक आइडेंटिटी हो सकती है, ये सब उन्होंने अपने हाथ से बनाया है। तो ये सारे दुपट्टे हैं, मतलब मैं उसमें से, मैं लास्ट टाइम इसमें दो दुपट्टे ऑलरेडी खरीद चुकी हूँ ऑरेंज कलर के, आई रियली लाइक इट, एंड अभी मुझे आज घुसते ये बहुत पसंद आ रहा है। फिर दे ऑल्सो मेक कुर्तीज एंड एवरीथिंग इज हैंडमेड। नाउ इफ़ यू पैन हियर यू कैन सी ब्यूटिफुल हैंड बैग्स, स्लिंग बैग्स दैट यू कैन टेक इंडियन के साथ, या मैं तो वैसे जीन्स के साथ भी पहन सकती हूँ। And again, this is catching my attention. ये सब handmade है. They also make teas, turmeric tea. Last time I took hibiscus, turmeric, dried mango. आपको लगा था कि यार पता नहीं लोगों को पसंद आएगा और नहीं पसंद आएगा, एंड देन नाउ हर्षिता आज तारीफ कर रही है। एक्चुअली जब हमने शुरू किया था तो हम लोग ने छोटे छोटे पेपर बैग्स से शुरू किया था, फिर दिएज बनाए थे, फिर एनवलप्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, फिर क्लॉथ पे गए, फिर क्लॉथ बैग आया, और फिर उसके आस्ते आस्ते फिर गारमेंट्स आए। तो तभी हम जब ये डेवलप कर रहे थे हमने देखा कि स्टैंडर्ड मार्केट में जो रेगुलर मिलता है वो हमें नहीं करना, हमें कुछ हटके करना है। तो जब हटके करना है और हम गुजरात से हैं, सो व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग फ्रॉम देयर। अगर आप ये बैग देखो, हाँ, मतलब दिस इज सच अ, अब मैं वही, अगर मैं ये ग्रीस में हूँ ना, अगर मैं भी थी वहाँ पे सेंटोरिनी आइलैंड पे, एंड सिमिलर बैग्स दे वर हैविंग, मतलब आप कंपेयर भी नहीं कर सकते इसका प्राइस और उसका प्राइस। तो आई एम सेइंग कि ये सब चीज़ें, जैसे अब ये बैग्स हो गए, दिस इज नॉट ब्लेम, बट सो आई थिंक दैट्स व्हाई शी हैज केप्ट ऑल ऑफ दीस बैग्स आल्सो, लाइक व्हिच गोज विद एवरीबॉडीज टेस्ट। हाँ, मतलब जैसे कोई किसी को नहीं ब्लिंक करना है, जैसे एल्डरली लेडीज होती उनको नहीं चाहिए, सो देन फिर उनके लिए ये थोड़ा सा कलर है, एंड प्लस इट्स प्लेन कलर। इसमें हमें कलर्स भी होते हैं, इस आज खाली हमने हैंडल कलर्ड रखे हैं अ लिटिल बिट, बनाने में भी कितना, हाँ, सो इस एक को बनाने के लिए कितनी औरतों ने काम किया है। एक औरत ने ये बनाया, एक ने ये क्रोशिया का ये बनाया, फिर एक ने क्रोशिया के बॉल्स बनाए, एक ने ये छोटे छोटे यू नो ये बनाया, फिर एक लेडी ने ये सब को मिला के जोड़ा है। कि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लिए आपके पास क्या क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर किड्स है, प्लस यंग गर्ल्स, यू नो दे लव टू कैरी सच स्टफ, सो वी हैव अ मिक्सचर ऑफ सच बैग्स आल्सो। देन दिस इज अ बैग व्हिच इज फॉर अ वुमन हु इज वेरी स्टाइलिश, बिकॉज ये एक बैग को बनाने में 15 दिन लगते हैं। डिज़ाइन कौन मतलब सेलेक्ट करता है कि ये डिज़ाइन होनी चाहिए, कलर ऐसा होना चाहिए? ये मेरा ही है, क्योंकि बीइंग अ डिज़ाइनर फॉर द लास्ट 35 ईयर्स मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो इट इज़ इन मी टू डिज़ाइन। सो आप कितनी ज़्यादा शॉपोहॉलिक हैं और आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है बाय करना? सच बताऊँ मैं इतनी शॉपोहॉलिक नहीं हूँ, लेकिन मुझे अगर कोई चीज़ यहाँ इस ऐसी चीज़ों से ना मुझे मतलब बहुत
एक सेटिस्फैक्शन मिलती है अगर मैं ले सकती हूँ और हेल्प कर सकती हूँ. और या मुझे सिर्फ कभी कभी ब्लिंगी तो इट्स वेरी फॉर मी इट्स वेरी एक्सट्रीम. या इधर आई विल नॉट वेयर ब्लिंगी एट ऑल या फिर मेरे को थोड़ा ब्लिंगी ज़्यादा हो तो अच्छा लगेगा. यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो सकती है कि भाई यहाँ पे और जैसे अभी कुर्तीज अगर देखें तो अभी उन्होंने ये कुर्ती मेरे को निकाल के दिखाई थी. दिस इज़ आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द कलर एंड द मटीरियल इज़ सो नाइस एंड प्लस इट्स रियली स्मार्ट. आई मीन आई कैन जस्ट वेयर इट विद समथिंग इन द नेक, यू नो, नाइस थिंग इन द नेक. समर आ गया है तो समर में भी लोग चाहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हल्के फुल्के कुछ कपड़े पहने एंड देन कि वो फ्रेंड्स के साथ. ये जैसे मैंने जो आपको दिखाया है ये बहुत हल्का फुल्का है. मुझे लग रहा है मैं यही लाइक इट्स यू डोंट हैव टू वेयर एनी थिंग एनी पैंट और एनी थिंग विद इट. इट्स इट्स अ ड्रेस इन इट सेल्फ सो इट लीव्स यू रियली फीलिंग लाइट एंड फ्रेश. हम ये अगरबत्तियाँ बनाते हैं जो 100% नेचुरल हैं जो आपने उस दिन ली भी थी. हाँ, तो हम लोग एक बाबा धूप है इसमें सब हर्ब्स हैं जो हवन में सामग्रियाँ डलती हैं वो हम इसमें डाल के बनाते हैं. मैं आपको ये दिखाती हूँ ये हमारे अलग अलग बैग के रेंजेस हैं. तो ये वाला जो बैग है इस हर एक बैग का एक नाम है. तो ये बैग का नाम है गौरी गौरी. हाँ तो हमने कोड्स नाम से रखे हैं औरतों के नाम से. अच्छा. जिन्होंने ये बनाया है मतलब मैं एक्चुअली मैं बताऊँ मुझे सबसे पहले बैग्स में अगर मैं कुछ देखती हूँ कि पीछे एक आउटर जिप है या नहीं वो उसके बिना मुझे ऐसा लगता है कि और मैं ये भी आई एम सो ग्लैड कि ये जिस तरीके से आपने जिप बनाई है उसके बाद ये तो ऐसे कुछ पता भी जिप दिख भी नहीं रही है. वो एक स्टाइल भी लग रहा है और अंदर जिप भी है. मैं व्यूअर्स को फिलहाल यही कहना चाहूँगी कि आपने ये पूरा सेगमेंट देखा शांति हस्तकला का. ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है तो प्लीज़ यहाँ आइए और कुछ एक चीज़ भी लेंगे तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इनके लिए जो ये सब इतना बड़ा एफर्ट कर रहे हैं. प्लस वो औरतें जो वहाँ बैठ के इन छोटी छोटी चीज़ों से उनको इनक्रेजमेंट मिलता है तो प्लीज़ आइए. इट्स नॉट मच but it's just a small effort which will really help.